स्टमक कैंसर के रोगियों के लिए ट्रीटमेंट का प्लान आमतौर पर डॉक्टरों की एक टीम द्वारा तय किया जाता है। इसे मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट कहा जाता है। ट्रीटमेंट के विभिन्न तौर तरीके कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी और साथ ही में इम्यूनोथेरेपी शामिल है। सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, जिसके दौरान ट्यूमर और आसपास के कुछ स्वस्थ टिश्यू को रिमूव किया जाता है। सर्जरी का प्रकार कैंसर के चरण पर निर्भर करता है। एक बहुत ही प्रारंभिक स्टेज जैसे T1A स्टेज में एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन नामक ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ट्यूमर को एंडोस्कोप के माध्यम से निकाला जाता है। प्रारंभिक स्टेज स्टेज 1 में जब कैंसर केवल स्टमक की दीवार तक सीमित है, तो सर्जरी का उपयोग करके कैंसर और आसपास के लिम्फ नोड्स के साथ स्टमक के हिस्से को रिमूव किया जाता है। इसे सब टोटल या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कहा जाता है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में सर्जन स्टमक के बाकी के हिस्से को अननली या फिर छोटी आंत से जोड़ते हैं। यदि कैंसर स्टमक के बाहर की दीवार या फिर लिम्फ नोड में फैल गया है, तो कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दी जाती है। सर्जन सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि पूरा स्टमक रिमूव किया जाता है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी के दौरान सर्जन अन्न नली को सीधे छोटी आंत से जोड़ते हैं। सर्जरी के दौरान रीजनल लिम्फ नोड्स को अक्सर रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि कैंसर इन लिम्फ नोड्स में फैल सकता है। इस प्रक्रिया को लिम्फोडेनेक्टमी कहा जाता है। स्टमक के कैंसर के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ कुछ इस प्रकार है: कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी आमतौर पर कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने, विभाजित करने और अधिक कोशिकाओं को बनाने से रोकती है। मरीज को एक समय में एक दवाई या फिर एक ही समय में विभिन्न दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। कीमोथेरेपी का लक्ष्य सर्जरी के बाद बचे हुए कैंसर को नष्ट करना, ट्यूमर के विकसित होने को धीमा करना या फिर कैंसर संबंधित लक्षणों को कम करना हो। इसको रेडिएशन थेरेपी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। स्टमक के कैंसर के लिए अधिकांश कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में दवाइयाँ कुछ इस प्रकार होती हैं, जिन्हें सिसप्लैटिन, ऑक्सालीप्लैटिन या फिर 5-फ्लोरोयूरेसिल कहा जाता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कीमोथेरेपी के विशेषज्ञ होते हैं। टारगेटेड थेरेपी एक उपचार है जो कैंसर के विशिष्ट जीन, प्रोटीन या टिश्यू एनवायरनमेंट को टारगेट करता है, जो कैंसर के विकसित और सर्वाइवल में योगदान देते हैं। इस प्रकार का ट्रीटमेंट कैंसर कोशिकाओं के विकास और स्प्रेड को रोकता है और स्वस्थ कोशिकाओं के नुकसान को सीमित करता है। स्टमक के कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी में HER2 टारगेटेड थेरेपी और एंटी एंजियोजेनेसिस टारगेटेड थेरेपी शामिल है। कुछ कैंसर ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 यानी कि HER2 नामक प्रोटीन का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण करते हैं। इस प्रकार के कैंसर को HER2 पॉजिटिव कैंसर कहा जाता है। ट्रास्टोजुमाब नामक दवाई इन मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी ट्यूमर की नई रक्त वाहिकाओं को बनाने की प्रक्रियाओं को रोकती है, क्योंकि ट्यूमर को बढ़ने और फैलने के लिए रक्त वाहिकाओं द्वारा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी का लक्ष्य ट्यूमर को इनसे वंचित करना है। इम्यूनोथेरेपी शरीर की इम्यून सिस्टम की क्षमता में सुधार करके कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की नेचुरल डिफेंस को बढ़ाती है। एडवांस HER2 नेगेटिव और PD-L1 पॉजिटिव स्टमक के कैंसर वाले मरीजों के लिए कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। नीवोलुमाब एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, जिसे इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर भी कहा जाता है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से टारगेट करने और नष्ट करने में मदद करती है। एडवांस कैंसर वाले रोगियों के लिए जब कीमोथेरेपी काम नहीं करती है, तब MSI-H वाले मरीजों में पेम्ब्रोलिजुमाब, नीवोलुमाब और दोस्तालिमाब जैसी दवाइयाँ भी एक विकल्प है। विभिन्न प्रकार की इम्यूनोथेरेपी विभिन्न साइड इफेक्ट भी कर सकती है। आम साइड इफेक्ट्स जैसे कि स्किन रिएक्शंस, बुखार जैसे लक्षण, दस्त, हाइपोथायरॉयडिज्म और वजन में बदलाव इन लक्षणों में शामिल है।